ऑल राइट गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास वही फ़ोन है जो कल हमने इसको ठीक किया था, लेकिन इसमें कल प्रॉब्लम थी कि इसमें ब्लू डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी। तो आज हम उसको ठीक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आएगा, रेडमी 4A, 5A, 6A, कोई भी फ़ोन आएगा तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आई है ब्लू डिस्प्ले की, तो आपको कहाँ काम करना है, कौन सी चीज़ आपको चेक करनी है सबसे पहले, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपकी डेली लाते रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने चार्जिंग के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारी ब्लू डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो भी मैं हमने कल आपको बता दिया था, लेकिन मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, इसकी वजह से कल मैंने आपको बताया नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो आपको हमने आपको दिखा दिया है कि हमारे ब्लू डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले कनेक्टर को चेक कनेक्टर आपको चेक करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए रजिस्टर, आपको कनेक्टर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप रजिस्टर देख रहे हो। इन रजिस्टर को आपको चेक करना है, आपका रजिस्टर ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ओपन रजिस्टर हो जाता है तो भी आपकी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों लाइट सेक्शन की तरफ। दोस्तों आप यहां पे देखिए, ये जो आईसी है उसको आपको, उसके बाजू में जो कैपेसिटर देख रहे हो उसको आपको चेक करना है, या आपका शॉर्ट दिखाई देता होगा तो भी आपको आईसी को चेक करना है, आपकी शॉर्टिंग नहीं दिखनी चाहिए यहां कहीं पे भी। उसके बाद आपको चेक करना है, आपने रजिस्टर को सब चेक कर लिया, कनेक्टर भी चेक कर लिया, फिर भी आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आपको आईसी को रिमूव करना है, आईसी को चेंज करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा बोर्ड से हमारी जो लाइट आईसी है उसमें हमें प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हीट प्रूफ टेप लगा देते हैं। तो आपको हीट प्रूफ टेप ज़रूर लगाना है, ताकि क्या होगा कि आपका कोई कनेक्टर वगैरह कोई डैमेज नहीं होगा, तो आपको इसका यूज़ ज़रूर करना है। और इस वीडियो में मैंने आईसी लगाया है वो मैंने वीडियो नहीं दिखाया है, क्योंकि उसमें हुआ यूँ कि हमने यहाँ इसके ऊपर फ़ोन रखा है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी वजह से शूट करने में प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि बारीक सा काम है, इसकी वजह से हम कैमरा जिस तरफ रखते हैं उस तरफ शूटिंग में मेरे को प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से हमने वो आपको दिखाया नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर हम आईसी को निकाल रहे हैं, तो हमने टेम्परेचर यहाँ पर 300 के आसपास रखा है और आईसी को हमने रिमूव कर दिया है। और हमने देखा इसको कि हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉल्स मिस है, तो उसमें हम आईसी पे इसको जम्पर लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है कि नहीं। तो ये वीडियो दोस्तों मैं नहीं बनाने वाला था, फिर मैंने बोला था कल कि मैं बना दूंगा, इसकी वजह से, क्योंकि मैंने आईसी लगाया है वो सब वीडियो मैंने कट कर दिया था, लगाया ही नहीं है और मेरे से रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है ये वीडियो, फिर भी मैंने सोचा कि इस पर बना ही देता हूँ। और ये वीडियो, ये आईसी मैंने 3 या 4 बार मैंने आईसी को चेंज किया तब अभी हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ है, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। तो ऐसा आपके पास कोई भी फ़ोन आता होगा, आपने डिस्प्ले लाइट आईसी आपने चेंज किया, उसके बाद आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, तो आपको ऐसा लगता है कि चलिए अभी हम होगा नहीं हमारा फ़ोन, हम इसको पैक कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमें इसको 3 बार आईसी को चेंज किया, हमारी आईसी की प्रॉब्लम थी। देखिए हम आपको बाद में बताएंगे इसकी आईसी हमने कितनी बार आईसी को चेंज किया है तब हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो अभी हम वीडियो को थोड़ा स्पीड करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हमने आईसी को एक बोला था कि हमारी प्रिंट डैमेज थी, तो हमने आईसी पे एक जम्पर लगा दिया है और उसकी लाइन हमारी ये कैपेसिटर की तरफ जा रही थी, तो हमने इसको जम्पर लगा दिया है और अभी हम इसको ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमने जो दूसरी आईसी लगाई है, दो एक पहले लगाई थी ये दूसरी बार लगा रहा हूँ, कि अभी हमारा फ़ोन की जो लाइट की ब्लू डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी वो ठीक होती है कि नहीं, वो हम इसको चेक करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी भी हमारी ब्लू डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हमने एक तीसरी बार आईसी को चेंज किया, मार्केट से लाया आईसी, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आईसी यहाँ पे पड़ी है, एक इधर उधर होगी, हमने 3 बार आईसी को चेंज किया तभी हमारी एक आईसी सही निकली। तो आपको ऐसा है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होता है, अगर आप इसको छोड़ देते हो तो आपका काम होगा नहीं और आपको थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने ये वीडियो आपको बताया कि आपको थोड़ी मेहनत करनी है, 3-4 बार भले आईसी चेंज करनी पड़े, आपके पास होगी तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है, आपका काम हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको 3री बार आईसी को चेंज किया,
अभी हमारी आईसी वर्किंग हो चुकी है और आपको हम इसको फ़ोन को दिखाएंगे, तो वो सब वीडियो मैंने कट कर दिया है, वो सब नहीं दिखाया है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारी लाइट आ चुकी है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।